एक ऐसा हेयर मास्क जो कि बहुत ही इजीली आप इसे बना सकते हैं और ये आपके बालों को सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी बनाने में हेल्प करता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। विंटर आ चुका है, इस टाइम हमारे स्किन के जितना ख्याल रखना जरूरी है उतना ही हेयर के लिए भी हम लोग को केयर करना पड़ता है। हमारे हेयर इस टाइम डल और बेजान सी दिखने लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक DIY हेयर मास्क, जो कि आप हफ्ते में 2 बार इसे यूज करें और कमाल का इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसे यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप जस्ट शैम्पू करने से 1 घंटा पहले इसे अपने हेयर में अप्लाई करें और इसके बाद कोई भी शैम्पू से आप इसे अपने हेयर को क्लीन कर लें। तो चलिए ये हेयर मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं मेरी चैनल पे, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मैंने यहाँ पे 2 बनाना लिया है, यानी कि 2 केला लिया है, जिसे इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। बनाना हमारे हेयर को स्मूथ एंड सिल्की बनाता है और बहुत अच्छा कंडीशनिंग का काम करता है और साथ ही साथ हेयर रीग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। तो ये मास्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बनाना लिया है। बनाने को अब इसके सारे पीसेस को एक मिक्सर के जार में डाल के इसका हम लोग बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 टीस्पून हनी यानी कि शहद ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून करीबन ऑलिव ऑयल या फिर स्वीट आलमंड ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें 1 टीस्पून करीबन कर्ड यानी कि दही यूज करेंगे। दही भी हमारे स्किन के हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है, साथ ही साथ ये हमारे हेयर को चमकदार बनाने में हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो यहाँ पे आप 1 से 2 विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। और आखिरी में मैंने यहाँ पर लेमन ड्रॉप्स करीबन आधा नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है और ये हमारा मास्क बनके बिल्कुल तैयार है। ये हेयर मास्क बिल्कुल मैजिक जैसा काम करता है आपके हेयर पे। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से इसे अपने पूरे स्कैल्प में अप्लाई करना है, साथ ही साथ आप हेयर के रूट से लेके पूरे हेयर में इसे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद कम से कम आप इसे 1 घंटा अपने पूरे हेयर में लगे रहने दें। 1 घंटे के बाद आप अपने हेयर को कोई भी शैम्पू से वॉश कर लें और देखिए कमाल का रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। ये हेयर मास्क आप हफ्ते में कोशिश करें 2 बार यूज करने का और इसका रिजल्ट देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।